Dear students now we are going to discuss third perspective of technology adoption which is social shaping of technology it is also referred as SST SST is uh, developed following the footsteps of scott SST also rejects the argument of technological determinism uh, the main proponent of this perspectives are डोनल्ड ए मकैनजी जूडी वेचमैन रॉबन ए विलियम्स एंड डेविड एच एस एस टी आर्ग्यूज़ दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट इवॉल्व अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल टेक्निकल लॉजिक इस परस्पेक्टिव का भी ये मानना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो इनहेरेंटली बिल्ट इन नहीं होती और वो टेक्निकल लॉजिक की बेसिस पे इवॉल्व आउट नहीं होती बट रादर एज अ सोशल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट शेप बाय द सर्कमस्टांसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट एंड यूजेज कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व आउट होती है और डेवलप्ड होती है एज अ सोशल प्रोडक्ट और ये जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एज अ सोशल प्रोडक्ट इट मींस दैट के वो टेक्नोलॉजी जो है उसकी जो है एवोल्यूशन और डेवेलपमेंट होगी एज पर दर्कम्स्टांस ऑफ इट्स यूजेज तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो इवाल्ड आउट हुआ है फ्रॉम जस्ट कम्युनिकेशन टूल सोशल गैजेट तो ये एक बेस्ट uh, एग्जांपल है एस uh, एस की जो एक्सप्लेन करता है टेक्नोलॉजिकल एडोपन को एंड अकॉर्डिंग टू एस एवरी स्टेज इन दी जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोजीज़ इन्वॉल्व अ सेट ऑफ चॉइस बिटवी डिफरेंट टेक्निकल ऑप्शन जैसे हम मोबाइल फ़ोन की ही अगर बात कर लें तो अब जो है हमारे पास जो है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम डिफरेंट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन आ गए हैं और एक जनरेशन का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी डिफरेंट डिजाइनज अवेलेबल हैं यानी आप अगर आज बात करें तो आपके पास एंड्रॉइड uh, सॉफ्टवेयर भी है दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो मोबाइल्स रन करते हैं और मोबाइल का जो इंटरनल और एज पेल एज एक्सटर्नल डिज़ाइन है और उसके जो फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं बिटवीन द डिफरेंट डिजाइन मॉडल्स ऑफ द मोबाइल तो ये क्यों डिफरेंट हैं इसकी टेक्निकलिटी जो है फीचर्स की वो एक्चुअली डिपेंड करती है सोशल फीडबैक ऑफ द गैजेट यानी कोई भी जो मॉडल डेवलप किया जाता है मोबाइल का उसको मार्केट की डिमांड के मुताबिक डेवलप किया जाता है तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो है बेस्ड ऑन द सोशल कंडीशंस जो है टेक्नोलॉजी इवॉल्व आउट होती है सो एस एस टी सेट देर आर चॉइसेस इनहेरेंट इन द डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफैक्ट्स एंड सिस्टम डिफरेंट रूट्स आर अवेलेबल पोटेंशली लीडिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल आउटकम्स जैसे uh, मैं मोबाइल फ़ोन की आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और मोबाइल फ़ोन में हम स्मार्ट फोन की अगर बात करें और स्मार्ट फोन के भी डिफरेंट टेक्निकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और उन टेक्निकल ऑपरेटर सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से और उन फीचर्स की बेस पर उनकी एक्सेप्टबिलिटी भी डिफर करती है एक अगर बिजनेस मैन को जो मोबाइल चाहिए वो डिफ़रेंट है जो एक यंग टीनेजर को जो मोबाइल चाहिए उससे एक बिजनेसमैन मैन को एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें उसका डेटा सिक्योर हो कम्युनिकेशन इजी हो और जिसमें डिफरेंट जो है प्रोफेशनल एप्लीकेशन हों जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकता हो अपनी बिज़नेस ग्रोथ के लिए और दूसरी तरफ हम अगर टीनेजर की बात करें तो जो टीन एजर को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए उसमें वो उसके लिए इंटरटेनमेंट की ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए उसमें उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए या उसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसा कि टीन एज़ लाइफ में लोग डिमांड करते हैं तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइंस जो डेवलप हुए हैं मोबाइल फ़ोन के एज पर नीड ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एस एस टी का एक आर्गमेंट और है जो ये है कि टेक्नोलॉजी अफेक्ट सोसाइटी बाई अफोर्डनेस कॉन्सटेंट्स प्री कंडीशन एंड अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस एस एस टी ये का ये भी प्रोपिगेट करता है कि जब हम टेक्नोलॉजी अडोपशन की बात करते हैं तो उसमें ये जो uh, चार फैक्टर्स हैंफोर्डनेस कॉन्सटेंट्स प्री कंडीशन एंड अन इंटेंडेड ये अफेक्ट करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी uh, की अडोपशन को उसके यूजेज को और उसके इम्पैक्ट को ऑन सोसाइटी वॉट इज अफोर्डनस अफोडिनस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट टेक्नोलॉजी मेक सम एक्टिविस्ट सिंपलर टू परफॉर्म इन आवर लाइफ वेयर आर रिस्ट्रिक्शंस मेक दैम मोर डिफिकल्ट टू कंप्लीट जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आज जो मोबाइल फ़ोन है इट्स नॉट जस्ट फॉर द कॉल मेकिंग और कॉल के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते ये हमारे तरह हमारे लिए एक प्लानर भी है ये हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट टूल भी है तो हम बहुत सारी जो है अपनी ज़रूरिया जो हैं वो एक गैजेट से कंप्लीट कर रहे हैं मगर इसका इम्पेक्ट क्या है कि इससे हमारी सोशल लाइफ भी जो है उसका जो है टाइम कम हुआ है तो ये एक तरह से जितना हमारी रिलायंस जो है, है मोबाइल फ़ोन पे बढ़ती है तो एक तो दूसरी तरफ हमारी जो है सोशल लाइफ फिजिकल सोशल लाइफ रिस्ट्रिक्ट होती चली जाती है द प्री कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी आर द स्किल्स एंड रिसोर्स रिक्वायर टू फुली यूटिलाइज टेक्नोलॉजी जैसे हम आज अगर बात करें कि भी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग इसके लिए आपको सर्टन स्किल्स चाहिए अगर आपके पास वो सर्टन स्किल्स नहीं हैं मार्केटिंग की कंटेंट डेवलपमेंट की और उसको कंटेंट को जो प्रोड्यूस करने के बाद शेयरिंग uh, की तो मे बी यू मे नॉट बिकम अ गुड बिजनेस मैन ऑन द सोशल मीडिया तो वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो एक तरह से प्री कंडीशन है उस सक्सेसफुल यूजेज ऑफ द टेक्नोलॉजी की अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आर अनफोर आउटकम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अब जैसे हम इंटरनेट की बात करते हैं स्मार्टफोन की बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो जहाँ इन्होंने हमें एजेंसी दी है हमें आज़ादी दी है अवेयरनेस लाए हैं डिफरेंट हम इनसे पॉजिटिवली जो है चीज़ें परफॉर्म करते हैं वहीं पे इसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं जिसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको साइबर बुलिंग देता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे के थ्रू बुलिंग होती है इनके थ्रू जो है लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं तो ये एक तरह से अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है तो जब ये डेवलप की गई तो मैं भी उस वक्त ये नहीं सोचा गया था कि इसका एक नेगेटिव यूज़ इस तरह भी हो सकता है और ये मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात कर लें तो मोबाइल फ़ोन क्या जो है हमारे जो है जितना यूजेज बढ़ाते हैं तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा रिलायंस मोबाइल फ़ोन पर आपकी सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करती है आपको मोबाइल फ़ोन एडिक्ट भी बनाती है तो ये भी एक तरह से एक अनइंटेंडेड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है टेक्नोलॉजी का